एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहा है सुबह के 8:45, तो काफ़ी देर हो गई, हम लोग उठ चुके हैं एंड आज है फ्राइडे एंड वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मेरा जो काम होता है ना यूट्यूब से रिलेटेड वाला जो काम होता है एडिटिंग वगैरह, वो सबसे मैं फ्री हो जाती हूँ ऑन थर्सडे। मतलब मैं फ्राइडे के लिए कोई काम नहीं रखती हूँ। शूट वगैरह चलता है, जैसे ब्लॉग शूट वगैरह में तो मज़ा आता है, मुझे काम नहीं लगता है तो वो चलता है। बट हाँ, एकदम जो प्रॉपर काम होता है ना, मेल करना, ये करना, ढिमका करना, फलाना करना, इनवॉइस भेजना, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब वैसा वाला काम, ऑफिशियल वाला जो काम होता है वो मैं नहीं करती हूँ फ्राइडे को। तो फ्राइडे से मेरा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है इन शॉर्ट। मतलब आज मैं लैपटॉप को ओपन भी नहीं करूँगी, ना आज ना कल। संडे के शाम से फिर मैं थोड़ा देखना चालू करती हूँ कि मंडे को कौन सा वीडियो जाना है और क्या है, तो वैसा मेरा चलता है रूटीन। तो आज क्या बनाने वाले हम लोग खाने में, आज हम रोटी बना रहे हैं, रोटी या पराठा एंड आलू की सब्जी एंड ब्रोकली। एक्चुअली पहले तो क्या हो रहा था कि हम लोगों ने कल का प्लान करके रखा था कि आकांक्षा और विशाल जो है वो हमारे घर में आ जाएंगे और नॉर्मल कहीं आसपास कहीं जाएंगे या घर पे ही चिल मारेंगे, डांस वांस करेंगे, डांस पार्टी और गेम्स वेम्स खेलते। बट देन फिर क्या हुआ कि विक्की के ऑफिस में कुछ रिलीज है बहुत बड़ा सा और वो US टाइमिंग के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो विक्की को रात को 12 बजे से 2 बजे तक तो जगना ही जगना है और उससे पहले भी उसको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉनिटर करने के लिए विक्की को फिर बैठना पड़ेगा। तो फिर ये हुआ है कि प्लान कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। ओके, एंड काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि किचन डोर एंड बेडरूम डोर। तो बेडरूम डोर तो मैंने प्लान किया है कि फरवरी एंड में मैं डालूंगी। किचन में एक्चुअली कुछ DIYs मेरे दिमाग में है, तो पहले मैं वो DIY करूंगी और फिर मैं आपको किचन डोर डालूंगी। अभी किचन मतलब ऐसे बेसिक वाला जो जम जाता है ना, वैसे तो ऑर्गेनाइज हो चुका है, बट वो जो होता है ना डेकोरेट करना, सुंदर दिखने वाला, वैसा नहीं हुआ है। अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एंड बेडरूम भी अभी बिल्कुल नॉर्मल, हमने बस प्लेसमेंट कर दिया है चीज़ों का। भी उसको जो होता है ना डेकोरेट करके इन्हांस कर देते हैं लुक को, वो सब अभी कुछ भी नहीं करा है। तो बेडरूम मैंने बहुत सही तरीके का प्लान करके रखा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, मतलब वो बेडरूम सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा। फटाफट बस प्लेसमेंट ही करना है चीज़ों का। तो यस, अब मेरी जो वेजिटेबल्स है हो गई चॉप। तो वेजिटेबल्स आर चॉप। नाउ माई ड्यूटी इज, विकी की ड्यूटी होती है वेजिटेबल चॉप वॉप कर देना, तब तक मैं किचन में नहीं जाती हूँ। फिर अब मेरा ड्यूटी होगा उसको बघारना एंड रोटियों को बनाना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। और विक्की जी यहाँ पर लगा रहे हैं, आज क्या लगा रहे हैं? आलू। टमाटर तो हो गए नहीं सर आपके? हमारे टमाटर नहीं हो गए हैं। तो मैंने ये वाला डिपार्टमेंट पूरा विक्की मैनेज करता है भाई। अपन का सिर्फ वो छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं वो सारे मेरे हैं, क्योंकि विक्की उन बेबी प्लांट्स को मार डालता है। कोई नहीं मार डालता है। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे। तो मेरे सारे जो काम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं फटाफट से शार लेने के लिए जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, एक्चुअली कल मेरे पास कुछ दिखाने को था भी नहीं। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी ना कि मैं कल ऑफ पर हूँ, मतलब कल मैं कोई काम नहीं कर रही थी। तो क्योंकि मैं कल कोई काम नहीं कर रही थी, तो ना मैं कल कहीं घर से निकली हूँ, ना मैंने कुछ किया है। मैं सिर्फ आराम से चिल मार रही थी, अपना TV देख रही थी, नेटफ्लिक्स देख रही थी और कुछ पुरानी मूवीज़ देख रही थी। मतलब इन शॉर्ट में बताऊँ, कल मैं चिल मार रही थी। विक्की जी आ गए हैं। क्या लेके आए हो? हाँ, जरूर कुछ खाने का सामान आया है जरूर, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे अब हम कहीं जा तो पा नहीं रहे हैं, है ना, घर पे रहने वाले हैं, तो इन हाउस पार्टी करेंगे दोनों। यस। बिल्कुल फैला दो, एकदम फैला दो घर। बिल्कुल मोटा कर दो और फैला दो घर। मोटे को मोटा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, दिस सीम्स नाइस। ठीक है, ये छोटू के लिए। ओह माय गॉश, और ये मेरे लिए। आप तो चॉकलेट खाते नहीं हो। थैंक यू सो मच। फुल ऑन जंक आया है, बट ठीक है, कभी कभी बनता है, चलता है, क्योंकि हम लोग पूरा हफ्ते कुछ जंक नहीं खाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं। अभी देखो, हाँ ये कि आपको एक हफ्ते के लिए मेरा फेस थोड़ा फैटी फैटी सा लग सकता है बिकॉज इतनी सारी चॉकलेट खाने को। ये विक्की नहीं खाएगा, ये मेरे लिए ही है। थैंक यू सो मच। तो ये वैलेंटाइन गिफ्ट मिल गया है और मैं भी विक्की के लिए एक वैलेंटाइन गिफ्ट लेके आई हूँ। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो ये है विक्की का वैलेंटाइन गिफ्ट। कैसा लगा आपको आपका वैलेंटाइन गिफ्ट? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? क्या? एंड कल वैलेंटाइंस डे है, आज है 13। आज मैं जाने वाली हूँ वही, उसको मैंने ये बोला हुआ है कि आज मुझे कुछ काम से जाना है। कुछ मेरा जो कैमरा है ये वाला G7 जो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं बहुत दिन से पोर्ट्रे कर रही हूँ उसको कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी सर्विसिंग के लिए जाना है, सर्विसिंग के लिए जाना है। तो मैं ये बोल करके आज निकलूँगी कि मुझे इस कैमरे की सर्विसिंग के लिए जाना है, क्योंकि आज सैटरडे है। अगर मैं ये नहीं बोलूँगी ना तो वो भी मेरे साथ चलेगा। तो ये बोल करके निकलूँगी एंड बड़ा बैग लेकर के जाऊँगी। और उसके लिए मैंने एक दो चीज़ें सोच के रखी हैं कि उसके लिए ये सब लेकर के आना है। एक तो जो उसका रेबन का शेड्स है वो उसने घुमा दिया है एंड उसके पास कोई शेड्स नहीं है। तो देखती हूँ, रेबन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑफर चल रहा होगा उसमें और वो मुझे ठीक रेट में मिल जाएगा तो आई विल कंसिडर बाइंग दैट एज वेल। लेट्स सी। तो कुछ आकर के गिफ्ट लेकर के आएंगे। ऐसे आप गिफ्ट दे सकते हो, वैसे भी आप, ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे होना चाहिए गिफ्ट देने के लिए। आप वैसे भी गिफ्ट दे सकते हो सामने वाले को, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ तो ये और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं वीडियो में ऑन कैमरा शूट करूँगी, उसका रिएक्शन देखना। उसका रिएक्शन ये रहने, इतना सड़ा रिएक्शन रहने वाला है कि ये काय के लिए लेकर के आई, मुझे ये नहीं चाहिए था। थैंक यू बोलने के बजाय वो ये रिएक्शन देने वाला है, बट फिर भी मैं लेकर के आऊँगी क्योंकि वो वैसे कभी भी शॉपिंग नहीं करता है। तो इन ओकेशंस की वजह से मैं कुछ उसको थोड़ा बहुत उसके वॉर्डरोब में ऐड कर देती हूँ या उसके कलेक्शन में ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज वो शॉपिंग ही नहीं करेगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं जाने वाली हूँ शार लेने के लिए, आज जल्दी शार लेने के लिए जाऊँगी। तो मैंने ये डीक्लटरिंग के लिए निकाल करके, डीक्लटरिंग नहीं, डोनेशन के लिए, डोनेशन मतलब ये अपने फ्रेंड्स को ही देने वाली हूँ। ये सब बहुत अच्छे, ये तो बिल्कुल ही, ये तो सी टैग लगा हुआ है इस पर, ठीक है, स्टॉक बाय लव का। उसके बाद ये जो टॉप है इसमें टैग लगा हुआ है और ये मैंने पहने नहीं एक्चुअली। ऑल्सो ये जो यूनिट है ना ये यहाँ का है, इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर का यूनिट है, इसलिए रख के रखा हुआ है। जब शिफ्टिंग हुआ था ना, जब हम लोग, तो उसको हमने डिटैच कर दिया था, तो वो जो स्क्रू है वो कहीं मिसप्लेस हो गया, वो बहुत हैवी है। तो जब वो भैया आए थे तब उन्होंने ऐसे ही रख के चले गए थे वो। और क्या होता है ना, जब मैं ड्रेसिंग टेबल ओपन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे ना गिर जाए, तो डर लगता है ना, क्योंकि अकेला कर सकता है, स्क्रू आराम से टाइट कर सकता है, बट वो बहुत हैवी है ना, और मेरे से तो वो पकड़ाएगा ही नहीं। तो आज एक भैया आने वाले हैं, वो उसको रख के उसको फिट कर देंगे। तो यस, हाई एवरी वन। सो आई जस्ट टुक शार एंड एक्चुअली अभी अंदर वो कारपेंटर भैया आए हैं स्क्रू लगाने के लिए मेरे ड्रेसिंग टेबल पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके रेडी हो रही हूँ। छोड़ने जा रहा है कहाँ तक? गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा है। एक्चुअली विक्की को लेना है, क्या लेना है? फ्रूट्स लेना है। तो इतने जन्म बाद मैंने शेड्स लगाए। एक इंसान की हालत में निकला और दूसरा इंसान की हालत में निकल रहा है। इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे। यहाँ पर मैं आई हूँ होम सेक्शन में वेस्ट साइड के, एंड ओ माय गॉड क्या कलेक्शन है यहाँ पे। मतलब इतना अल्टीमेट कलेक्शन है। मैं बहुत टाइम बाद इतने आराम से ये होम सेक्शन को एक्सप्लोर कर रही थी एंड इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख करके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस देखती रहूँ इनको, और मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। इतनी सही सही चीज़ें थी यहाँ पर। यस, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये सब कुछ। एंड कुशन कवर्स का जो न्यू कलेक्शन आया है, इट्स ब्यूटिफुल, रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ से निकलने के बाद कुछ चीज़ें ली हैं मैंने। उसके बाद मुझे कुछ कप्स वगैरह लेने थे, तो मैं वहीं पर और भी चीज़ें, स्टोर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रही थी। सब होम डेकोर वाले ही मैंने अपने लिस्ट में ले करके गई थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। गाइस, सो आई एम डन विद ऑल द शॉपिंग। और अभी मुझे इतनी जम के भूख लगी थी कि मैं मेरे घर के पास में एक मैकडी है वहाँ पर आई हूँ, तो पैक करा रही हूँ। विक्की मुझे पिक करने के लिए आ रहा है यहाँ से क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। व्हाट माय स्टफ लुक्स लाइक। हाय एवरीवन, सो आई एम बैक। और मैं आते से सबसे पहले तो खाने पे रुको रिएक्शन लूँगी। आते से खाने पे टूट पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। यहाँ पे सॉस लगा हुआ है तो बताती हूँ। क्या गिफ्ट लाई है मेरी बीवी, कैसा लगा? इसमें क्या रखूँगा मैं? आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि अपने लिए लेके आई है मेरे नाम पे। ठीक है, ये मेरे लिए ही। आपका वैलेंटाइन गिफ्ट आपको कल मिलेगा या रात को 12 बजे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो अब मैं फटाफट से आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट साइड वाली चीज़ों से। वेस्ट साइड से मैंने क्या क्या लिया है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले तो वेस्ट साइड से मैं ये 3 का सेट लेकर के आई हूँ। दिस जार, ये टिन के जार्स हैं, तो येलो है, रेड है एंड ये ब्लू है। सो दीज आर द एयर टाइट कंटेनर्स। मैं आपको पास से भी दिखाती जाती हूँ। तो ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, यहाँ पर बकायदा रबर लगा हुआ है। मैं 3 कलरफुल इसलिए लेकर के आई हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मैंने किचन टूर दिया नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा था कि किचन थोड़ा सा डल लग रहा है, ग्लास के कंटेनर्स रखे तो वो थोड़ा सा ना बोर लग रहा है मुझे। सो जस्ट टू ऐड लिटिल बिट ऑफ कलर्स, तो एक शेल्फ पे मैं सारे ये 3 रखने वाली हूँ सो दैट वो थोड़े ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद मैं एक ये यूटेंसिल स्टोरेज बॉक्स लेकर के आई हूँ जिसमें आप मैं यूजुअली मैं ऐसे स्पैचुलास वगैरह रखने के लिए लेकर के आई हूँ, स्पैचुलास इसके अंदर रखूँगी। सो इस तरह से मैं ये लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट पास से दिखाती हूँ। इसमें से 3 कंटेनर्स हैं तो मैं ये लेकर के आई हूँ, काफ़ी सही रेट में मिल गया था ये मुझे। सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ वो मैं लेकर के आई हूँ ये वॉशअप कैडी। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैंने आकर के उसमें फिल इन भी कर दिया है। मैं एक्चुअली किस पर्पज़ से लेकर के आई हूँ, क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग एंड क्लीनिंग करने के लिए है। सो दैट जब भी मुझे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा मैं इसको उठाऊँगी और क्लीनिंग कर दूँगी। आप चाहें तो दूसरी चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं बट मैंने ये पर्पसली क्लीनिंग के लिए लेकर के आई थी। मैं मतलब जब डस्टिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए मैंने ये कैडी ली है। तो वेस्ट साइड का सब सामान। हाँ, उसके बाद मैंने वेस्ट साइड से एक ये फ्लावर का सेट भी लिया है जो कि बहुत ओरिजिनल लग रहा था। मेरे पास ऐसा रियल वाला फ्लावर अभी लगा हुआ है बट अभी क्योंकि समर्स आ जाएंगे ना तो समर्स में ये रियल फ्लावर्स नहीं आते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इनके प्राइस डबल हो जाएगा। जो स्टिक अभी 40 रुपीज़ की मिल रही है वो स्टिक 80 रुपीज़ में मिलने लग जाएगी। ये भी मैं वेस्ट साइड से लेकर के आई हूँ और एकदम रियल लग रहा है। लुक एट दिस, एकदम रियल लग रहा है ये। नाउ कमिंग टू द होम सेंटर। जब मैं होम सेंटर गई थी एक्चुअली एक टाइम के बाद ना मैंने ब्लॉग करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो या तो मैं मेरे से ना तो बैग हैंडल हो रहा था, ना मुझसे बाकी के बैग हैंडल हो रहे थे, ना मुझसे कैमरा हैंडल हो रहा था। तो इसलिए मैंने फिर कैमरा वो मोबाइल अंदर रखा और मैंने कहा अभी मैं पहले सामान की शॉपिंग कर लेती हूँ और बाद में आप लोगों को बता दूंगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। सो एक्चुअली होम सेंटर में ना एक 150 रुपीज़ का ऐसे बैम्बू का कंटेनर मिलता था जिसके अंदर 5 स्पैचुलास आते थे जो मैंने पिछले साल खरीदा था बट अब वो ख़राब हो गया है, उसमें यहाँ पर पूरी वो लग गई है, सड़ गया है मतलब इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो। बट वो अच्छा था, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, वो बहुत सही था। तो मैं वो ढूंढ रही थी बट वो बता रही थी कि काफ़ी टाइम से वो स्टॉक में नहीं आया है। तो मैं ये 2 स्पैचुलास लेकर के तो आई हूँ बट विक्की बोल रहा है थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इट माइट पॉसिबल कि मैं इसको रिटर्न करके आ जाऊँ या एक्सचेंज करके आ जाऊँ, कुछ और लेकर के आ जाऊँ बट मुझे ये एक्चुअली में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ओह सॉरी, वेस्ट साइड से मैं एक और चीज़ लेकर के आई हूँ, वो है ये 2 कुशन कवर्स, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे ये, अगेन फ्रॉम वेस्ट साइड। उसके बाद होम सेंटर में मुझे ये बड़ा ही क्यूट सा जार दिखा जिसको देखते से ही मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा एक और अवेलेबल है बट उन्होंने बोला एक और नहीं है, अदरवाइज मैं ये 2 लेकर के आती डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए बट ये एक ही है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या रख सकते हैं इसमें, पता नहीं, शायद से माउथ फ्रेशनेस वगैरह कुछ रख दूंगी या देखते हैं, लेट्स सी इसमें क्या रख सकते हैं बट ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लेकर के आई हूँ वो मैं ये लेकर के आई हूँ बैम्बू का कंटेनर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं लेकर के आई हूँ वो है ये वॉल हैंगिंग। सो एक्चुअली दिस इज़ लाइक अ स्टोरेज वॉल हैंगिंग जो कि जिसमें आपको कुछ भी ड्रिल नहीं करना पड़ता है, आप इस तरह से यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, वॉल पे चिपक जाएगा, ये टाइल्स पे या वुड पे लगता है। तो मैं इसको बाथरूम के लिए नहीं लेकर के आई हूँ। यूजुअली पीपल यूज इट फॉर यू नो वॉशरूम के लिए यूज करते हैं, अपना सामान रखते हैं, यहाँ पे टॉवल्स वगैरह टांग देते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैं गई थी मार्केट 99। तो मार्केट 99 से मैं कुछ कप्स लेकर के आई हूँ। एक्चुअली मेरे घर में कप्स नहीं है, आपने देखा होगा हमारे घर में कप्स नहीं है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट अ टी लवर्स, ना ही हम कॉफ़ी लवर्स हैं, ना ही हम मिल्क लवर्स हैं। तो हम लोग कुछ एक्चुअली पीते ही नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है जैसे सुबह शाम होता है ना लोगों के यहाँ कॉफ़ी बन रही है, टी बन रही है, तो वो लोग कप्स के शौकीन भी होते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट हमारे यहाँ एक्चुअली में जब हम कभी सोचते भी ना चाय पीने का, तो हमारे पास कप्स नहीं होते। हमारे पास सिंपल एकदम बेसिक से वही 4 साल पुराने जो मैंने खरीदे थे वो कप्स हैं, डी-मार्ट से मैंने खरीदे थे, वही चल रहे हैं। तो मुझे वहाँ पर ना बहुत ब्यूटीफुल कप्स दिखे, मतलब कप्स की वैरायटी एक तो वहाँ पर, एंड दूसरा एक शॉप है जिसका नाम है मैंगो करके। ओ माय गॉड, क्या कप्स थे वहाँ पर। मतलब मैं तो कप्स की इतनी शौकीन नहीं हूँ, बट वो मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि इनको लेना चाहिए, बट वो बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इवन वेस्ट साइड पे भी बहुत अमेजिंग कप्स का कलेक्शन, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा था बार बार कि अरे ये कितना सुंदर लग रहा है, इसको रखूंगी तो ये सुंदर लगेगा। बट फिर मैं बार बार ये सोच के नहीं ले रही थी कि इवेंचुअली करेंगे क्या, वो सिर्फ ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैंने नहीं लिए। एक तो मैंने ये लिया है, ये येलो कलर का, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये। और जो सेकंड कप है वो भी मैंने ऐसे ही लिया है, सेम ही लिया है। उसके बाद जो थर्ड कप है वो कुछ अलग डिज़ाइन में है। इसका जो शेप है आप देखेंगे ये थोड़ा सा मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल शेप और बहुत सिंपल सा एंड एलिगेंट सा है। इसमें लिखा हुआ है प्योर नेचर। फोर्थ लिया है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर हाउस। उसके बाद मैंने वहाँ से ये इस तरह के बैम्बू के टी होल्डर्स भी परचेस करे हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे ये। मैं गई थी अगेन मैंगो। वहाँ से मैंने कुछ ऐसे ही सिंपल से 3 कलर्स खरीदे हैं, नॉर्मल फैब्रिक कलर जो होते हैं ना, एक्रेलिक कलर्स, वो खरीदे हैं। उसके बाद कोई फैंसी चीज़ नहीं खरीदी, एक मार्कर खरीदा है। और उसके बाद मैंने ये ख़रीदा है, मैंने कमांड हुक्स का ये जो फोटो फ्रेम्स लगाने का होता है वो, एंड साथ में एक और अगेन ये फोटो फ्रेम्स लगाने का ही मैंने परचेस करा है। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, इन सबको ऑर्गेनाइज करके देखती हूँ जैसे जैसे मैंने सोचा है। ये अगर मुझे वैसा दिख गया, मतलब जमता हुआ और वैसे ही ऑर्गेनाइज होता हुआ तो ठीक है। अदरवाइज एक बार दिन में अगर मुझे लगेगा कि कोई चीज़ मुझे चेंज करवानी है, एक्सचेंज करवानी है, या मुझे रिटर्न करके कुछ और लेना है, तो मैं वो भी करूँगी। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, सो बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ है, हम लोग कल रात में सोए हैं कितने बजे, 1:30 बजे, क्योंकि विक्की का मैंने बताया था कॉल चल रहा था। बहुत लेट सोए हैं बट स्टिल सुबह जल्दी नींद वही टाइम पे खुल गई है, 7:30 उठ गए थे। तो अभी हम लोग क्या खा रहे हैं, पोहा स्पेशल। MP वाले लोग पोहा के दीवाने होते हैं। एक प्रो टिप, अगर आप लोग पोहा खाते हैं एंड पोहे में प्याज, नींबू और सेव तो सब डालते ही डालते हैं, सेव जो भी है, पर उसमें आप अनार थोड़ा सा डाल के देखिएगा, आपके पोहे का जो टेस्ट है ना वो 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इतना टेस्टी लगता है अनार के साथ। ये इंदौरी स्टाइल है, टिपिकल इंदौरी स्टाइल, अनार डाल के खाने वाला। अनार के साथ तब ये खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। वेरी गुड। और इंटरेस्ट देखो विक्की का कहाँ है, पेपर में, टी शर्ट में नहीं है। पेपर पढ़ेंगे ना अभी, तो आपको अच्छे से प्यार से खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। अरे वाह यार, टी शर्ट कितनी अच्छी है। हाँ, और बहुत अच्छी है, और एक्साइटमेंट। हाँ, एंड शो सम एक्साइटमेंट। नहीं, वो नहीं करना है। हाय एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह पे। विक्की मुझे लेकर के जा रहा है आज वैलेंटाइंस डे के दिन। कहाँ लेके जा रहे हो और क्यों लेके जा रहे हो? वापस सामान करवाने के लिए। जो मैं कल शॉपिंग करके लेकर के आई थी ना, उसमें से एक जो सामान है, जो कप्स है येलो कलर के, वो विक्की को बिल्कुल बच्चों जैसे लग रहे हैं। मेरे को नहीं, इनको भी बच्चों जैसे लग रहे हैं। 4 घंटे टाइम वेस्ट करने के बाद उनको समझ में आया कि घर में रखने की जगह नहीं है। घर में रखने की जगह है, बट ठीक है, वो मुझे भी थोड़े ऐसे लगे, तो मैं कुछ और लेकर के आऊँगी उसकी जगह पे। एंड हम लोग इतना तैयार होकर, क्योंकि कहीं और तो जाना है नहीं, हम लोग जहाँ जाने वाले हैं शाम को, मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना है। मैं बहुत दिनों से विक्की को बोल रही हूँ कि मुझे कॉफ़ी पीना है, और मुझे पर्टिकुलरली एक जगह की कॉफ़ी पीना है। तो वो बिल्कुल हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे, 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ वॉक करते करते आराम से आ जाएंगे रात में, चिल मारते हुए। मतलब बहुत अच्छी हैंग आउट करने की जगह है जहाँ हम अभी रहते हैं, हमारी सोसाइटी में ही हैंग आउट करने की बहुत अच्छी जगह है। तो फिर हम लोग वहीं जाएंगे। लेकिन अभी आज हमको लग रहा था कि रोड पे बहुत ट्रैफिक होगा, बट आज विक्की के ऑफिस के कलीग आए थे उसको लैपटॉप लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि रोड्स पर ट्रैफिक नहीं है। इट माइट पॉसिबल कि सब लोग जैसे हम सोच रहे हैं वैसे सब सोच रहे होंगे, बहुत ट्रैफिक होगा, बहुत ट्रैफिक होगा, आज नहीं जाते, आज नहीं जाते हैं, बट आज सबसे कम ट्रैफिक है और एक्चुअली में आज सबसे कम ट्रैफिक है। हेलो एवरीवन, सो हम लोग काफ़ी देर हो गई, हम लोग आ गए थे एंड उसके बाद अभी हम लोग हमारे सोसाइटी में ही जा रहे हैं जस्ट ऐसी वॉक करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग जो थाने में रहते हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। सो सिंपल एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, आपको डीएम में मुझसे जितनी बातें करनी है, जितने कमेंट्स करने हैं आप कर सकते हो, फॉर अ सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि थाने में जो रहते हैं और जो मेरे आसपास रहते हैं और बहुत लोग मेरे आसपास रहते हैं, सो बस उसको आप नीचे मत डिस्क्लोज करिएगा, बस उसको आप लोग कमेंट्स में मत लिखिएगा, इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमको आना था। तो मैं इस जगह पे पहले भी आई हूँ, बट मैं रात में बहुत कम, एक या दो बार ही आई हूँ एंड यूजुअली मैं यहाँ पे दिन में ही आती थी, अगर कभी आती भी थी जब मैं यहाँ नहीं रहती थी इस एरिया में। बट मैं अभी जब से यहाँ पे रह रही हूँ तब भी मैं दिन में ही आई हूँ एक दो बार। तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड था एंड मोस्टली यहाँ पर सब बच्चे वाले फैमिलीज़ आए हुए थे, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर करने के लिए। तो अब क्योंकि हम लोग यहीं पास में रहते हैं तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी वीकडे में आना, क्योंकि वीकडे में आई मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा कम क्राउड होगा। तो अब हम वॉक करते करते एक दो बार वीकडे में ट्राई करेंगे कि शाम को यहाँ पे कैसा क्राउड होता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आएंगे। तो अभी तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मेरे आसपास और क्या क्या जगह है और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो यस, यही है, और हम लोग निकलते हैं वापस घर के लिए। हेलो, हम लोग घर आ गए हैं एंड हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चले वॉक करें हम लोग, मतलब मैंने तो आज दिन भर में मेरी जो वॉच है उसमें मुझे दिखा रही थी, मैंने खैर उतार के रख दी है। टोटल मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया आज, मतलब नॉर्मल वॉक ही वॉक में इतना ज़्यादा चली हूँ मैं भी। और हम लोग आज बाहर से ना हमने 2-3 स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया हमारे जो आसपास का एरिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक 4 साल से मुंबई में रह रहे हैं अपन, उसमें से मैंने यहाँ पे दी बेस्ट पानीपुरी खाई है ना। हम लोगों ने कितने रुपए वाली पानीपुरी भी खाई है यहाँ पे, 150 रुपये में 6 पानीपुरी भी हमने, वो वाला टेस्ट भी हमने किया हुआ है बहुत बड़े से जगह पे, बट फेल, सब कुछ फेल। बट आज जो हमने खाई है ना, बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक एमपी वाला जो टेस्ट नहीं होता, ब्रिजवासी का एमपी, भोपाल के हमारा एक बहुत अच्छी जगह पानीपुरी मिलती है ब्रिजवासी के यहाँ, बिल्कुल वैसा टेस्ट था। उसके बाद और क्या खाया, डोसा खाया हमने, स्ट्रीट फूड, अफोर्डेबल, टेस्टी। अब एक बिल्कुल हमारे घर के सामने एक बहुत अच्छा सा ऑथेंटिक डोसा वाला स्टोर है, वो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है, वो भी ट्राई करेंगे। तो अब इतना तो समझ में आ गया है कि खाने के लिए कभी भी उस तरफ नहीं जाया जाएगा हमारे एरिया में, मतलब हमारी सोसाइटी में एक से एक ऑप्शन है खाने का, एक से एक ऑप्शन है। तो बढ़िया खाया और इतना वॉक कर लिया कि वो डाइजेस्ट हो गया। हाँ, डाइजेस्ट हो गया है आराम से, और खाया कि हमने इतना वॉक करने और पता नहीं। हाँ, तो यही था, और आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया आज के दिन। सो येस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।